नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा दिस वीक में। खेलों के मामले में हरियाणा को अब मेडल की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, फिर चाहे वो ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत में जितने भी खिलाड़ी मेडल जीतते हैं उनमें से कम 30 से 50% खिलाड़ियों का संबंध हरियाणा से होता है। हरियाणा सरकार की धाकड़ खेल नीति। हरियाणा को ऐसे ही खेलों की धरती नहीं कहा जाता। खिलाड़ियों ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकाते हुए हरियाणा को खेलों में सिरमौर बना दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी राज्य की खेल नीति देश में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका खिलाड़ियों को काफी फायदा मिल रहा है और वो पदक जीत कर देश और प्रदेश का नाम चमका रहे हैं। प्रदेश भर में सिंथेटिक ट्रैक, मजबूत ढांचा और बेहतर खेल नीति का नतीजा है कि आज आम किसान का बेटा भी विदेश की धरती पर सोना जीत रहा है। खिलाड़ियों ने जहां मेडल जीतने में कमी नहीं छोड़ी, वहीं प्रदेश सरकार भी नकद इनाम देकर पीठ थपथपाने से पीछे नहीं है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नकद पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के 126 प्रतिभागियों में से हरियाणा प्रदेश के 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के 1.3% क्षेत्रफल और 2.9% आबादी वाले हरियाणा ओलंपिक खेलों में 50% से ज्यादा मेडल का योगदान देता नजर आया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश में प्राप्त 7 पदकों में से प्रदेश के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड, 1 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। इसके साथ ही देश की महिला हॉकी टीम जो चौथे स्थान पर रही, इस टीम में प्रदेश के 9 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 6 पदक हरियाणा के। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश के 54 प्रतिभागियों में प्रदेश के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया और देश को प्राप्त 19 पदकों में 2 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य, कुल 6 पदक हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा 2 खिलाड़ियों ने चौथा स्थान हासिल किया है। खिलाड़ियों को दिए करोड़ों रुपए के नकद पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 के खिलाड़ियों को कुल 52.65 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार वितरित किए गए। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार और प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ओलंपिक खेलों के लिए चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि में से प्रशिक्षण और खुराक के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह प्रतिभागिता करने पर सामान्य खिलाड़ियों की तरह नकद पुरस्कार की बराबर राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था, उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी, हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है, इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें, उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चैंपियन हरियाणा। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हरियाणा को सौंपी गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इन खेलों में प्रदेश के 518 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
इन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 52 गोल्ड, 39 रजत और 46 कांस्य, कुल 137 पदक जीते और मेजबान के साथ साथ ओवरऑल चैंपियन रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा के 200 पदक। जनवरी 2020 में गुवाहाटी में 20 खेलों में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राज्य के 677 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने 200 पदक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा का डंका। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को हरियाणा सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 75 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए दिए। चौथे स्थान पर रहने वालों को 15 लाख और इन खेलों में भाग लेने वालों को 7.5 लाख रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही प्रदेश की खेल नीति के तहत 25.80 करोड़ रुपए के इनाम राशि और नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि। खिलाड़ियों पर मेहरबान राज्य सरकार ने पर्वतारोहियों के लिए भी खेल नीति को लागू किया है। विश्व की 10 अधिकतम ऊंची और जटिल चोटियों पर सफलता पूर्वक चढ़ाई करने वाले खिलाड़ियों को भी हरियाणा सरकार प्रोत्साहन दे रही है। पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए का नकद इनाम और ग्रेड सी का खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों की दैनिक खुराक राशि में बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम नकद पुरस्कार और सुविधाएं देने के कारण पूरे देश में उत्तम है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों की दैनिक खुराक राशि 250 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी है। साथ ही साथ ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डीज का मानदेय 5,000 रुपए प्रति मास से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति मास किया गया है। प्रदेश पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रतिमाह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपये में तो ठीक है कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में कुछ छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े ही दिन पहले 20,000 रुपया मासिक किया है। खेल नीति से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। स्कूल और कॉलेज के सामान्य खिलाड़ियों को ऐसे खिलाड़ियों के समान छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आगामी एशियन, पैरा एशियन और कॉमनवेल्थ पैरा कॉमनवेल्थ खेलों की प्रतिभागी खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपए की अग्रिम तैयार राशि प्रदान की जाएगी। खेलों के लिए बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर किया तैयार। जमीनी स्तर पर बच्चों में खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में 1100 खेल नर्सरियां चलाई जाएंगी। खेल नर्सरियों से निखरेगी खेल प्रतिभा। 500 नर्सरियां विभागीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्रों पर और 600 खेल नर्सरियां सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों, निजी खेल प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित करने की कार्यवाही अग्रसर है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को ग्रेड अनुसार छात्रवृत्ति, अनुबंधित प्रशिक्षकों को मानदेय और संबंधित शिक्षा संस्थाओं को ग्रेड अनुसार सामान के लिए राशि निम्ना अनुसार दिए जाने का प्रस्ताव है। खेलो हरियाणा ऐप से मिलेगी घर बैठे जानकारी। 1 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ी खेलों से संबंधित हर जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे।
हर गांव में स्थापित होगा युवा क्लब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले 4 सालों में राज्य के प्रत्येक गांव में एक एक युवा क्लब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के 4,912 गांवों में 4,977 युवा क्लबों का गठन किया गया है। मिल्खा सिंह साहसिक खेल की एकेडमी मोरनी में स्थापित की गई है। प्रदेश में खेल छात्रावास किए जा रहे स्थापित। इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र और साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिस पर सारा खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य में खेल छात्रावास स्थापित किए जा रहे हैं। अंबाला में खेल छात्रावास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में खेल छात्रावास निर्माण संबंधित मामला कार्यवाही पर अग्रसर है। हमने खेलों को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा, हमारे मंत्री जी को भी मेरी बात रहे, स्टेडियम बना दें, हमारे यहाँ एक मल्टीपर्पज हॉल बना दें, हमारे यहाँ कोई स्विमिंग पूल बना दें। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से मांग आने के बाद शायद हम जितना रिजल्ट निकालना चाहेंगे उतना नहीं निकाल पाएंगे। हरियाणा की एक मैपिंग की जाए और मैपिंग में हर एरिया का, हर जिले का अपना कोई एक विशेष खेल होता है जिसके अंदर उसको पारंगता हासिल होती है। कहीं के नौजवान हॉकी अच्छी खेलते हैं, कहीं के जवान स्विमिंग में काफी आ गए हैं, कहीं फुटबॉल में आ गए हैं, कहीं कुश्ती में आ गए हैं, बॉक्सिंग में कहीं आ गए हैं, शूटिंग में कहीं आगे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक खेल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज या उससे भी नीचे अलग से कोई छोटा एरिया भी हो, मैपिंग करें और उसी खेल को, जैसे हरियाणा को हम पूरे देश का खेलों का कैपिटल बनाने जा रहे हैं, वैसे अगर एक जिले को हमें किसी एक खेल का कैपिटल बनाना हो तो देश दुनिया में बात जानी चाहिए कि फला जिला बॉक्सिंग में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता, फला जिला फुटबॉल में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए रिहैब सेंटर शुरू। पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में चोटिल खिलाड़ियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए रिहैब सेंटर शुरू किया गया है और इसके करीब 10 करोड़ रुपए का वांछित सामान स्थापित किया गया है। राज्य के योग्य खिलाड़ियों को आरक्षण। राज्य के योग्य खिलाड़ियों को सभी श्रेणियों की भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। श्रेणी घ के लिए 10% है। श्रेणी क, ख और ग का आरक्षण वित्त विभाग द्वारा समाप्त किया है, लेकिन श्रेणी ग के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान करने के बारे में कार्यवाही अग्रसर है। राज्य में एक नई खेल संस्कृति का जन्म। प्रदेश सरकार ने प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए हैं। इससे राज्य में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाए हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सोनीपत में की जा रही है। इसके अलावा 156 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। फिलहाल के लिए हरियाणा दिस वीक में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।